जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैफ़ली अरशद किंग। आप देख रहे हैं स्टार टॉक्स विद किंग। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे चैनल पर लेटेस्ट अपलोड आने वाली आपको सबसे पहले मिल सके। मेरी वीडियोज़ को लाइक करके मेरा हौसला अफजाई करें ताकि मैं आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोज़ लाता रहूँ। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर बकरा मंडी। यहाँ पर जानते हैं बकरों के रेट्स क्या हैं और कैसी क्वालिटी है बकरों की, और बकरों के ख़रीदार से जानते हैं क्या कस्टमर आ रहे हैं पिछले साल की तरह। इस बार बकरे खरीद बकरों की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से गाहक मंडी में नहीं है। आइए जानते हैं। जी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चाचा मुनसिफ, इनसे जानते हैं ये बकरे इनकी हैं, क्या कस्टमर आ रहे हैं इनके साथ बकरे खरीदने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मौसम ख़राब है जिस वजह तो गाहक भी घाटे तो माल भी घाटे, तो इंशाल्लाह माल भी राज होएगा तो गाहक भी राज होगा, जो किसी के नसीब हैं उन्होंने मिल जाएंगे। बाकी मेरे पास चिट्टे दुंबे हैं, तला गंग वाले, जिला चकवाल वाले, तो बहुत अच्छे अच्छे दुंबे है। 60,000 तो लाख के 3 लाख रुपए तीन मेरे को मेरे पास माल है, जिस खरीदना हो वो आके मिल लवे। अच्छा भाईजान हमें बताएं 60,000 का कौन सा और 3 लाख का कौन सा है? 3 लाख का पीछे पिंड में आए 60-65 हज़ार वाले मेरे को मौजूद हैं। ये सारे 60-65 हज़ार की रेंज के हैं? कुछ भी 90-90 हज़ार वाले भी हैं, 60-65 वाले भी हैं। ठीक है, तो इनका क्या वेट होगा? इनका 100 किलो तो भारे हों जो इस टाइम मौजूद हैं वो भी। अच्छा ये कौन सी नस्ल है, क्योंकि इनकी चकवाल के चिट्टे दुम्बे हैं, सफ़ेद तुर्की तला गंग के। ठीक हो गया, तो कस्टमर वगैरह आ रहे हैं जिस तरह पिछले साल से? मौसम ख़राब है अजय घाटे इनका आकर। ठीक है जी, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि इस बार ईद पहले जैसी होगी कि नहीं? इस बार पिछले पिंडों के माल खत्म है, तेजी होगी, जिन्हें किसी खरीदना उन्होंने अपनी किस्मत की गल है, फिर के मंडिया से मत बज गई है, कोई माल ही नहीं पिंडों के। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के। मेहरबानी जनाब। जी नाजरीन आइए आपको दिखाते हैं इनके पास ये जो बकरे लगे हुए हैं, हमारा कैमरामैन दिखा सके तो, जिस तरह के इस वक्त बकरे खा रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत बकरे हैं और निरे सफ़ेद हैं माशाल्लाह। और जिस तरह के हैं अभी इन्होंने बताया बकरों के ओनर के, इनकी प्राइस 65,000 है पर बकरे की, तो आप इनमें से ज़रूर कुर्बानी के लिए बकरे इस बार ख़रीदें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। हुकूमत को भी चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल करे ताकि आम आवाम सुख का सांस ले सके। जी नाजरीन जिस तरह कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वक्त के बकरों की कितनी खिदमत की जा रही है और बकरों को साफ़ सफाई की जा रही है, जो पुराने गंदे बाल हैं उनके साथ वो उतारे जा रहे हैं और नए अंदर से जो बाल उग रहे हैं वो देखते हुए बकरों की और ख़ूबसूरती में इजाफ़ा हो रहा है। देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बकरे हैं और बहुत ही प्यारे हैं। वाइट बकरे तो आपको पता है बहुत अच्छे लगते हैं और इनको अब मैं थोड़ा बहुत खाना खिलाने की कोशिश कर रहा हूं पर ये खा नहीं रहे, लगता है मेरा हाथ ना खा जाए कहीं, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं ये। इसी के साथ अपने होस्ट सैफ़ली अरशद किंग को इजाज़त दीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करके मेरा हौसला अफजाई कीजिए ताकि मैं आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोज़ लाता रहूँ।